सीधा एयरपोर्ट से इधर ही आ रहे हैं। मैंने सुना कि नवरंग में सब लोग हम लोग के इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं, तो आया हूँ। बिहार का दौरा बहुत सही रहा और पंडित जी बताई ना बिहार का पार्ट टू जो हमारी फिल्म है और जिस रूप में बिहार में दर्शकों ने इसको सराहा है, ये निश्चित तौर पर एक नई चीज़ है, अच्छी चीज़। थोड़ा सा कठिनाई से लोगों को पछती है, लेकिन ये शायद पहली फिल्म है जिसको क्रिटिक्स भरपूर देखें और पूरा शो बैठ करके देखा। ये हम लोग के साथ ही देखा, अमूमन सॉरी क्रिटिक्स ज़्यादा देखते नहीं है सिनेमा, देखा और सब लोगों ने सराहा। एक बड़ी अच्छी हेल्दी इंटरटेनमेंट फिल्म बनाने की कोशिश की है रवि किशन जी ने, उन्होंने अपने होम प्रोडक्शन से फिल्म बनाया है। बिहार में दर्शक इसको बड़े सराह रहे हैं, नए तरीके के एक्सपेरिमेंटल गाने हैं, लोग उसको मज़ा ले रहे हैं। सब चीज़ मिला जुला करके एक ऐसा कह सकते हैं कि पहली बार फिल्म एक कहानी का एक वे है। कहानियाँ तो होती है अमूमन, इधर से उधर से हम जोड़ जाड़ के कहानी बना लेते हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी है जिसके साथ सारे किरदार इसमें चल रहे हैं, जी रहे हैं और अपने अपने काम को सब लोगों ने अपने परफॉर्मेंस से बहुत ही बखूबी निभाया है। दर्शकों में बहुत उत्साह है, दर्शक बड़े खुश हैं कि अच्छा, एक तो मेकिंग वाइज ये बहुत ही हाईटेक मेकिंग है, अच्छी मेकिंग है, और एक एक्टर जब संपूर्ण एक्टर जिन्होंने हॉलीवुड साउथ हिंदी सब फिल्में बहुत ही अलग तरीके से उन्होंने किए, अलग अलग जोनर की रवि किशन जी ने फिल्म की है, और जब खुद होम प्रोडक्शन किए हैं तो निश्चित तौर पे एक अच्छी चीज़ लाने की कोशिश किया है उन्होंने और उसमें सफल भी हुए हैं। दर्शक भी इसको बहुत अच्छी तरह से सराह रहे हैं। बिहार में जिस तरह से सब लोगों ने इसको प्यार दिया, सम्मान दिया, बॉम्बे में भी उसको इसी तरह का प्यार सम्मान मिले, ये मुझे उम्मीद है। और इसी के लिए हम भी आए हैं और रवि जी भी आए हैं, आज बॉम्बे पहुँचे हम लोग और एयरपोर्ट से सीधा इधर ही आ रहे हैं। तो उम्मीद है यहाँ दर्शक जिस तरह से हम लोग का इंतजार कर रहे हैं, उनको सिनेमा का भी इंतजार था और सिनेमा एक साथ ही, तो बड़े प्राउड की बात है कि एक साथ पूरे हिंदुस्तान में 200 सिनेमा घरों में ये फिल्म लगाई है, जो भोजपुरी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो जिस बड़े लेवल पे निर्माण कार्य जो रवि किशन फिल्म प्रोडक्शन ने किया है, तो ये हमारे भोजपुरी के लिए आने वाले दिनों में बहुत बेहतर है और इसका एक अच्छा परिणाम दिखने को मिलेगा। शुरुआत तो अभी से हो गई है। दर्शकों से कहना चाहेंगे कि क्या होता है ना कि अच्छी दवाएं जो होती हैं उनको शायद उतना स्वाद जल्दी नहीं दे, लेकिन जब हलक के नीचे उतरता है उसका फायदा नज़र आने लगता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्वाद है, इसमें आप देखें, इसको महसूस करें और कुछ भी निर्णय लेने के पहले एक बार देखें ज़रूर, चूँकि जब तक देखेंगे नहीं अच्छाई बुराई में फ़र्क आप नहीं समझ पाएंगे। देखना ज़रूरी है, बुरी लगे तो नकारिए, अच्छी लगे तो सराहिए, यही आग्रह करेंगे हमारे दर्शकों से। थैंक यू, प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय। मेरा नाम दीपक सिन्हा है, बहुत भोजपुरी कर चुका हूँ मैं, खाल से 15-20-22 सौ किया होगा, टेलीविजन भी किया, हिंदी फिल्में भी की, लेकिन भोजपुरी चूँकि अपनी भाषा है, भोजपुरी से लगाव है और इसलिए भोजपुरी बहुत दिल से करता हूँ। रंगमंच का 15 साल का जो अनुभव है वो हमें इस फिल्म में अच्छा दिखाने में मौका देती है। किस तरह का किरदार है आपके इस फिल्म में, किरदार क्या है इस फिल्म में? रवि जी, मैं और एक हैं राजन मोदी जी, तीन दोस्त हैं जी जी। मैं राजमिस्त्री हूँ, वो पप्पू जुगाड़ हैं एंड रवि जी उनका वो साइकिल की वो दुकान है। तीनों दोस्त अपने गरीबी से परेशान हैं, गुलामी में काम करते हैं, तीनों को पैसे चाहिए, तो उस चक्कर में तीनों कुछ प्लान करते हैं, कुछ पैसे कैसे बनाया जाए। रवि जी को शादी करने के लिए पैसा चाहिए, पंडित जी से पूछते हैं कि शादी कब होगी, पंडित जी वही बोलते। मैं अपनी पहली भोजपुरी फिल्म रवि जी के साथ ही किया था, कन्यादान, उसमें हमारी एंट्री हुई थी और आज तक मैं उनकी ऑलमोस्ट साथ में सारी फिल्में किया हूँ, कुछ फिल्में नहीं कर पाया किसी कारण से, लेकिन इस फिल्म करने में चूँकि रवि जी की खुद की प्रोडक्शन है, इस फिल्म में हमें एक बड़ा अच्छा अपनापन लगा कि रवि जी एज ए डायरेक्टर तो ही इज़ एक्सलेंट, वेरी गुड, एज ए प्रोड्यूसर भी इतने अच्छे हैं कि हर एक्टर हर टेक्नीशियन से रोज़ पूछते थे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आर यू कम्फर्टेबल। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि प्रोड्यूसर जो फिल्म में हीरो भी हैं और आपसे पूछ पूछ के किसी को कोई कष्ट ना हो, गाँव में गए शूटिंग में, ये है वो है, तो सारी चीज़ सुविधाएँ पूरी रखी इस फिल्म में काम करते हुए। ये नहीं लगा कि मैं कोई ऐसा कर रहा हूँ शूटिंग में, बहुत भीड़ है, ये है वो है, एक खुम भी अच्छा लगा और फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी और कैरेक्टर इतना अच्छा मुझे उन्होंने दिया, ये करने में मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब इसमें आप फिल्म देखेंगे तो ही बताएंगे। पब्लिक का किस प्रकार का रिस्पॉन्स? पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, मैं 2-3 थिएटर में गया हूँ,
पब्लिक फिल्म एंजॉय करती है एंड जब स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो उनकी देखने की प्रतिक्रिया और गंभीर होती जाती है, मतलब अब क्या होगा, इसके बाद अब क्या होगा, वहाँ बैंक से निकला अब क्या होगा, अरे ये हो गया वो, तो ये मैंने ऑब्जर्व किया क्योंकि मैं पिक्चर देखता हूँ अपनी पहले दिन, तो पिक्चर तो देखी होती है कम देखता हूँ और पब्लिक का वो फेस ज़्यादा देखता हूँ कि किस तरह से इंजॉय कर रही, कहाँ पे पिक्चर माइनस है कहाँ प्लस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक साथ इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में 200 थिएटरों में पिक्चर रिलीज किया, ये बहुत बड़ी बात है और फिल्म अच्छी चल रही है, कहीं 19-20 होती है, कहीं कहीं तो 100% है, कहीं ब्लैक भी चल रही है, तो लोग इंजॉय कर रहे हैं फिल्म को। खुशी की बात है कि 200 सिनेमा में एक साथ लगना, और अभी जैसे कि मुंबई से सब लोग भोजपुरिया लोग चले भी जाते हैं और कटनी है वहाँ किसान फसल वाला भी है बिहार यूपी में, लेकिन उसके बावजूद बहुत बढ़िया रिस्पांस, माउथ पब्लिसिटी से फिल्म काफ़ी उठ गई और बहुत मैं अभी बिहार से आज ही आ रहा हूँ, आज मुंबई के सब सिनेमा हॉल में गया हूँ, यहाँ 67 थिएटर में लगी है। सो इतनी बड़ी रिलीज मेरी कोई फिल्म नहीं थी, ना कोई भोजपुरी सिनेमा हुआ था, तो एक अच्छी तरक्की की ओर भोजपुरी सिनेमा था, ये फिल्म हमने सम्मान भोजपुरी को दिलाने के लिए बनाया था। तो हम जितने भी दर्शक अभी मुझे देख रहे हैं, आप लोग कृपया इस फिल्म को ज़रूर देखिए, ये सिनेमा एक सीख है, ये सिनेमा भोजपुरी को सम्मान दिलाएगा, ये सिनेमा भोजपुरी को पहचान दिलाने के लिए बनाया गया है और अभी इसको नेशनल अवार्ड के लिए भी हम लोग भेज रहे हैं ये फिल्म। तो मेरी पहली फिल्म को मिला था कब हुई गौना हमार, उसके बाद अब इस सिनेमा को सम्मान मिलेगा और मैं बहुत खुश हूँ एज अ प्रोड्यूसर, ये फिल्म बना के मुझे गर्व है कि एक अच्छी फिल्म, मेरे मन की फिल्म मैंने बनाई और मुझे अपने मन का एक सिनेमा बनाना था। पंडित जी बताए ना बिया का वही पार्ट टू बड़ा इंटरटेनिंग लग रहा है, सॉन्ग्स अच्छे लग रहे हैं, एक्शन अच्छा लग रहा है, कहानी सबसे पहले बात ही अच्छी लगी, स्टोरी टेलिंग इसकी बहुत अच्छी है और लोग बड़ा स्टोरी में घुस जाते हैं और सिनेमा दर्शक हमारे भोजपुरी के जो अश्लीलता के आरोप में घिरे हुए रहते हैं इससे अपग्रेड हो रहे हैं, जो हिसाब से हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑल इंडिया से। बहुत अच्छा लगा, मैं मोस्टली 95% जितनी हीरोइंस हैं भोजपुरी में सबको हमने इंट्रोड्यूस किया, तो मैं लकी रहा हूँ काफ़ी, हमेशा इंट्रोड्यूस करता हूँ लड़कियों को और इसमें भी किया बिकॉज एक कहानी लव स्टोरी थी, एक मासूम चेहरा चाहिए था तो हमने एक नई लड़की लाया। अवधेश मिश्रा कितने अद्भुत एक्टर हैं ये पूरा भोजपुरी समाज जानता है और अवधेश मिश्रा जी ने इतना अच्छा काम किया इस फिल्म में, जैसा हमारा किरदार था उन्होंने एग्जैक्टली वैसे निभाया, एक बड़ा ही सटीक इंग्लिश और पॉलिश्ड, और जब ये सिनेमा नेशनल अवार्ड में जाएगा तब मुझे वैसे एक्टर्स चाहिए थे, आज मैंने इसका डिसीजन लिया कि इसको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी भेजेंगे और ये फिल्म 10 साल के बाद सिनेमा जब भोजपुरी सिनेमा पढ़ाया जाएगा तो उसमें इसको भी पढ़ाया जाएगा इस फिल्म को। और पप्पू यादव डेफिनेटली जौनपुर के हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली इससे, तो आई एम वेरी हैप्पी कि भगवान करे सब लोग आगे जाएं और सब लोगों को ये मिले। नीचे जाना